कहते हैं ना, घर का बेड़ी लंका ढाए, तो तैयार रहिए सजा के लिए। सुनो तारा ना, गाली देव ना, गाली नहीं दे के बच्चा, अब बात किया है के बाद जेल के और दाल खिला। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो अभी मैं इतने रात को ब्लॉग क्यों बना रही हूँ आप लोगों को मैं बता दूँ कि कुछ मतलब ज़रूरी बात था आप लोगों से भी बताना ही, तो मैंने सोचा चलो अभी फोन मतलब सब लोगों को पता होना ज़रूरी है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को भी पता लग जाए, जिसके लिए हम लोग इतना दिन से इंतज़ार कर रहे थे। तो अगर आप लोग पिछला वीडियो हमारा देखे होंगे तो आप लोगों को पता होगा कुछ लोग मेरा गलत सलत आईडी बना के, गलत सलत फ़ोटो बनाकर मतलब मुझे ब्लैकमेल करना चाह रहे थे। तो मेरे हस्बैंड तो मेरे साथ थे, और मैं मतलब हस्बैंड क्या, मेरा पूरा परिवार मेरे साथ ही है और अभी भी है और पहले भी था सब लोग। तो कुछ लोग मतलब ऐसे जो लोगों ने फ़ोटो बना के जो लोग अपलोड किए थे ना गलत सलत, तो उनका पता लग गया है। और कहते हैं ना, घर का बेड़ी लंका ढाए, वही हाल हमारे साथ हुआ है। बस नाम अभी नहीं लूँगी क्योंकि और भी कुछ मतलब बाकी है, तो इसीलिए बट हमें पूरा मतलब जिन पे हमें शक ना होना चाहिए था ना, उनका नाम आ गया है। इसीलिए कहते हैं किसी पे विश्वास नहीं करना चाहिए किसी पे। आजकल के दुनिया ऐसा हो गया है ना कि आप अपने घर में भी कुछ बात नहीं बोल सकते हैं, किसी पे विश्वास ही नहीं करना चाहिए। ऐसे ऐसे लोग तो हैं, बस आपका खाना पीना देखकर लोग जल जाते हैं। पता नहीं लोगों को क्या मिला ये सब करके, क्या नहीं मिला वही भगवान जाने, वो लोग जाने। सोचते थे कि हमारा ज़िंदगी लाइफ ख़राब कर देंगे, हमारा पति से तलाक डिवोर्स हो जाएगा, तलाक करवा देंगे, हम लोग अलग हो जाएंगे। अरे भाई, तुम लोग का एक फ़ोटो से हमारा कुछ नहीं बिगड़ने वाला है, एक फ़ोटो से किसी का कुछ नहीं बिगड़। 10 साल की जो हम लोग 10 साल हो गए ना, हमारे बच्चे भी हैं, और ऐसे ही तलाक हो जाएगा हमारा एक फ़ोटो की वजह से। इतना विश्वास तो नहीं, मतलब इतना तो विश्वास कमज़ोर नहीं है ना मेरे हस्बैंड का, इतनी सभी विश्वास नहीं करते हम पे। वो विश्वास करते हैं इस वजह से हम लोग यहाँ तक उससे मतलब पकड़ने तक हम लोग पहुँच ही गए हैं। तो बस यही बात है आप लोगों से बताना था। बस कुछ लोग जो मुंह पे बोलते हैं ना, कुछ लोग मुंह पे मीठा होते हैं, मुंह में राम बगल में छुरी, वही हिसाब है हमारे साथ भी वही हुआ है। लोग सोच रहे हैं कि इसे मतलब ये मतलब बहुत ही बेवकूफ़ है, ये कुछ नहीं कर रही है, कुछ नहीं करेगी, बट ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग पहले से भी हम लोग सोच रखे थे पहले भी कि हम लोग जो ऐसा किया है उसको तो हम लोग सज़ा दिलवा कर ही रहेंगे, चाहे हमें लाख रुपया कहे ना ही लग जाए, लेकिन उसको तो सज़ा दिलवाए बिना हम छोड़ेंगे नहीं। नहीं, लोग सोचते हैं ना कि अपना समझ के छोड़ देंगे। अरे हम अपना चाहे पराया हो, इज्जत पे कोई करेगा ना कुछ भी, तो उसको अपना पराया नहीं देखा जाता है, सीधा जेल का भात खिलाया जाता है। तो वही हम लोग अभी मतलब सोमवार को फिर हमें जाना है, सोमवार को जाएंगे कागज वगज मतलब, क्योंकि देखिए कहीं क्या भी हो कुछ भी हो, जो लोग जहाँ से भी किए हैं वो सब उन लोगों को तो यहाँ पे लाना तो होगा ना। हम ये चाहते हैं ना कि जो जहाँ से भी किया है ना उसको वहाँ से सज़ा ना मिले, हमारे यहाँ आन कर घसीट कर थाना में हमारे यहाँ पर हमारे यहाँ के जेल में लाया जाए, ताकि उनको भी पता चले कि हाँ कैसे लोगों से पाला पड़ा है और कैसे लोगों से हमने पंगा लिया था। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ का गोलाघाट, हमारे असम का जेल का थोड़ा भात खाएं। इसीलिए तो कागज़ पत्र बनाने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, टाइम क्या लगेगा, पैसा फेंको कागज़ पत्र बनते रहेगा, उसको लाने में ना घसीट के लाने में यहाँ तक ज़रा सा भी हमें टाइम नहीं लगेगा। कहते हैं ना कहीं कुछ पहुंचने के लिए थोड़ा सा ही मतलब चोर की दाढ़ी में तिनका होता है ना, वही हिसाब है। चोर कितना भी चोरी कर ले, कुछ ना कुछ इतनी सा वो अपना मतलब प्रूफ छोड़ कर ही जाता है। तो उन लोग कितना आईडी बदले, मेरा नाम चेंज कर दिए, फिर से आईडी बदल मतलब आईडी वही है, नाम चेंज कर दीजिए,
पता चेंज कर दिए, सब कुछ चेंज वेंज कर दिए ताकि हम पकड़े ना जाए। अरे भाई तुम गलत हो तो तुम तो आज नहीं तो कल तुम्हें पकड़ना ही है, अब भगवान भी पकड़ेंगे। गलत किए हो तो गलत की सजा तो भुगना पड़ेगा ना, सजा के लिए तैयार रहना ठीक है। अगर मेरा वीडियो देख रहे हो ना तो पता चल ही गया होगा कि कौन हो। अब अपना पराया नहीं देखना है, सीधा जेल का भात खिलाना है हमारे आसाम का। तुम लोगों को ऐसा हाई लगेगा ना, जिंदगी भर भीख मांगते फिरोगे, ये भी जान लेना। समझ में आया? हम तो बस एक ही कागज पत्र एक ही करवाएंगे बस। हमारे यहाँ पर मतलब कुछ बात हुआ है कि अगर मतलब लोग पकड़े गए तो उनको वहीं से सजा दिलवाना है या फिर अपने यहाँ, तो हम अपने गांव अपने शहर में लाकर सजा दिलवाएंगे। कहें कि हमारे गांव में बदनामी हुई है ना, तो हम तो उन लोगों को यहीं पे लाकर सजा दिलवाएंगे तभी ना लोग जानेंगे। इसीलिए तैयार रहो सजा के लिए ठीक है, तैयार हो जाओ। चोर ज्यादा दिन नहीं, चोरी ज्यादा दिन नहीं छुपता है, एक ना एक दिन चोर पकड़ा जाता है। 100 दिन का चोर एक दिन पकड़ेबे करेला, मालूम बा ना? तनी बता दिए कनी भोजपुरी ना समझेला सुन। तो 100 दिन का चोर पकड़ा गए बा, अब अंगरी पर दिन गिना लो तार लोग का हाल करम हम। खुद अपना खुद जान जाए, खुद जान जाए बोलो। हम तो कमेर वाले बानी, हमारे फोटो हुए छोड़ ले रहा लो ना, हमें तो ज्यादा नहीं तनिए रोले बानी। हम कहे कि हम घर परिवार रहे तो हमको संभाल ले लो, बाकी तोहन लगा के क्या संभाली ठीक बा। हम वीडियो देख के जरल करा लो, तार लोग और काम नहीं किए, वीडियो देखा लो जरा लो ठीक बा। एक बजे से कैला ना ओए थाना वीडियो ठीक है, तो तैयार रहिए सजा के लिए। सुनो तारा, सुनो तारा ना, गाली देव ना एकदम जेल, गाली नहीं के देगे बच्चा, अब भात किया है के बा जेल के, जेल के और दाल खिला के बाद जेल के। बाय बाय, इंतजार करा जेल में आए कभी, और जेल के मलल मलल चुवा। हाँ बाय बाय और भात खावा।